हेलो फ्रेंड्स, हम हर गार्डनर को कुछ ऐसे पौधों की तलाश होती है कि जो कि कम धूप में चलने वाले होते हैं और कम धूप में भी इसका जो है फूल खिलने वाले होते हैं, क्योंकि हर गार्डनर की गार्डन में जो है प्रॉपर धूप नहीं आ पाते हैं। अगर आ भी पाते हैं तो हर कोने पे तो धूप एक साथ तो आ नहीं सकती, इसीलिए जो कोने में जो है धूप नहीं आ रहे होते हैं तो उस जो है कॉर्नर के लिए कुछ ऐसे प्लांटों की जरूरत पड़ती है कि जो कि कम धूप में जिसका फ्लावरिंग होती हो, चाहे कम धूप में चलने वाले प्लांट का जो है तलाश होती है। तो फिर ऐसा ही जो एक प्लांट मैं आज लेके आई हूँ वो है क्रॉसेंड्रा। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस प्लांट के ऑल केयर टिप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहें, मैं हूँ गोपा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्रॉसेंड्रा फ्लावर प्लांट है, ये एक जो है बहुत ही कम धूप में चलने वाले जो है एक पौधा होते हैं और बहुत ही कम धूप में इसका जो फूल भी खिलते हैं, और आप ये बोल सकते हैं कि इसको जो धूप पसंद भी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा धूप इसको पसंद नहीं होते, कम धूप में ये जो है अपना अच्छे फ्लावरिंग करते हैं। वैसे तो ये एक परमानेंट प्लांट होते हैं और इसका फ्लावरिंग सीजन होते हैं मार्च महीने से लेकर के ये जो है अगस्त सितंबर तक जो है आपके पास जो है अच्छी फ्लावरिंग कर देते हैं। बाकी टाइम में ये थोड़ा जो इसका फ्लावरिंग बंद होते हैं और ये जो है थोड़ा सा इसका ग्रोथ कम हो जाते हैं, तभी जो इसमें बहुत सारे जो है काम कर लेना जरूरी होते हैं, ताकि आपके पास जब ये जो फ्लावरिंग टाइम पे जब आए मार्च से लेके मार्च महीने में, तब जो है आप इससे जो अच्छी फ्लावरिंग पा सकें। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं इसका रिपोर्टिंग का, तो फ्रेंड्स इसको आप जब भी रिपोर्टिंग करें तो 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% कॉडो कम्पोस्ट और 20% सैंड, इस तरह से नॉर्मल से पॉटिंग सॉइल मिक्स बना के आप इसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसको हर महीने में आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, चाहे कोई भी ड्राई फर्टिलाइजर आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये जो है बहुत अच्छे से आपके पास जो है फ्लावर देते रहेगी। अगर ड्राई फर्टिलाइजर का अगर बात करते हैं, तो ड्राई फर्टिलाइजर में आप इसको कार्डन कंपोस्ट दे सकते हैं महीने में एक बार, इसके बदले में आप वार्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, पत्ती वाला खाद भी दे सकते हैं। और अगर लिक्विड फर्टिलाइजर का बात करते हैं, तो लिक्विड फर्टिलाइजर में आप मास्टर केक का लिक्विड फर्टिलाइजर बना के दे सकते हैं, और नहीं तो बनाना पिल का फर्टिलाइजर आप इसको दे सकते हैं। ये भी जो है बहुत ही लाभदायक फर्टिलाइजर होते हैं और बहुत ही जो है अच्छे इसमें इससे भी जो अच्छी फ्लावरिंग आती है। फ्रेंड्स, अगर इसको ग्रो करने का बात करते हैं, तो फ्रेंड्स ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, और आप इसका अगर कटिंग ना भी लगाएं तो ना इसका डंडी अगर इधर उधर अगर मिट्टी में गिरते हैं ना, तो ये जो है ऑटोमेटिकली इसमें जो नए नए इसका जो प्लांट निकल के आते हैं। तो इस तरह से जो आपके पास जो है बहुत सारा प्लांट निकल के हो जाते हैं, और आप अगर चाहे तो इसको सिर्फ सैंड में भी इसका जो है कटिंग्स लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कि अभी चल रहे हैं फ्रेंड्स अक्टूबर के एंड है, मैं जो वीडियो बना रही हूँ, मेरा वीडियो आते आते नवंबर हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इस टाइम में इस प्लांट को जो है केयर अप कैसे कर सकते हैं, तो इस टाइम में आप कुछ जो है खास केयर करना जरूरी होते हैं, जैसे कि आप पॉट की मिट्टी को अगर देखेंगे थोड़ा सा गुड़ाई करके, क्योंकि फ्लावरिंग बंद है लेकिन इसका रूट तो डेवलप होते जा रहे हैं, तो रूट्स जो है बहुत सारा बन जाते हैं, तो आप देखेंगे गुड़ाई करके पूरा जो पॉट्स जो है रूट से भर जाते हैं। तो इस टाइम में क्या करना जरूरी होती है, थोड़ा सा मिट्टी जो इसमें से निकाल के आप हटा दीजिए, उसके बाद जो है गमले में जो थोड़ा सा जो है कोई भी कंपोस्ट, चाहे कॉडो कंपोस्ट हो चाहे वार्मी कंपोस्ट हो, दे के जो है आप इसको यूं ही छोड़ दीजिए, ताकि मार्च महीने के शुरुआत होने के साथ साथ जो है आपके पास जो है ये प्लांट जो है अच्छी फ्लावर दे सके। तो फिर देख सकते हैं किस तरह से जो मेरा प्लांट में रूट भर चुके हैं, देखिए। तो इसको अगर थोड़ा सा अगर कट करके हटाया जाए तो बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं तो हटा नहीं रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं गुड़ाई करके मिट्टी निकाल लूँगी, और निकालने के बाद जो मैं इसको जो इसमें कॉडो कंपोस्ट ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इसके बदले में वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, पत्ती वाला खाद भी ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कंपोस्ट यूज़ करके मैं यूँ इसको छोड़ दूँगी, ताकि आने वाले सीजन में ये जो है अच्छे से फूल दे सके। और फिर थोड़ा सा इसका जो है कीड़े मकोड़े की भी बात कर लेते,
फिर इस ना इस प्लांट में ना थोड़ा सा फंगस अटैक जो हो जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि इस प्लांट को जो है हफ्ते में एक बार चाहे 15 दिन में एक बार कोई भी नीम ऑयल का स्प्रे कर दे, तो जो इससे आप फंगस से जो प्लांट को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर।